नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोतीचूर जैसे लड्डू की रेसिपी, जिसे हम चना दाल से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट एकदम दानेदार हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे, कोई भी सामान आपका बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी चने की दाल ली थी, जिसे पानी में रात भर के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गई है। जितनी अच्छी हमारी दाल फूल जाएगी, उतनी अच्छी ही हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे। तो बहुत ही स्यार होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ही कटोरी यहाँ पे दाल को भिगोया था और इसका पानी निकाल दिया है। और अब हम एक जार लेंगे और इस दाल को इस जार में डाल देंगे, और हमें इसे डालने के बाद बस ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से पीस लेना है हमें इसे, ताकि जो लड्डू बनाए बहुत ही बढ़िया बने। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखेंगे कि चना दाल अगर पीसने में दिक्कत है तो थोड़ा सा एक छोटे चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे दाल को पीस कर तैयार कर लिया है। आप देखिए कितनी बढ़िया दाल पीस कर तैयार हो गई है। बस हमें यहाँ पर कढ़ाई ले लेना है और कढ़ाई को अच्छे से तेल डालकर गरम कर लेना है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे घी से या डालडा से भी बना सकते हैं। और अब हम इसके छोटे छोटे पकौड़े इस तरह से डालते जाएंगे, और जितने कढ़ाई में आए मैंने उतने डाल दिए हैं। नीचे से सिकने के बाद हम इन्हें पलट लेंगे इस तरीके से, और बस अब हम इन्हें निकालेंगे। इन्हें अच्छे से कलर चेंज होने तक ही हमें तलना है। तो इस तरह से हम इन्हें पकौड़े तैयार कर लेंगे। हमें बूंदी बनाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल नया तरीका है लड्डुओं को बनाने के लिए। और इस तरह से हम बाकी के भी तलकर तैयार करेंगे पकौड़े। सारे पकौड़े हम इस तरह से बनाकर तैयार कर निकाल लेंगे। पकौड़े हमारे अच्छे से सिककर तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो इन्हें हम इस तरह से बाकी के तलते जाएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, ये बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाते हैं। और सारे पकौड़े इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अब हमने पकौड़े यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, आप चाहें तो इन्हें हाथों से तोड़ भी सकते हैं या फिर इस तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने सीधे इसी जार में ऐसे डाल लिया है, और इन्हें ग्राइंड हम दरदरासा करेंगे, एकदम महीन नहीं करेंगे। आप देखिए कितना दरदरासा ये बन के तैयार हुआ है। सारे पकौड़े हमने इस तरह से दरदरे से पीस कर तैयार कर लिए हैं। एक कढ़ाई को हमने ले लिया है, और जितनी हमने दाल भिगोई थी उसी कटोरी के नाप से हमने यहाँ पे चीनी ले ली है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी कटोरी आप दाल को भिगोएं, उतनी ही कटोरी आप चीनी का इस्तेमाल करें। और उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी पानी डालकर हम इसे चीनी को घोल लेंगे धीमी आंच में। और जब चीनी हमारी घुल जाएगी, इस तरह से इसमें उबाल आ जाएगी, तो हम इसमें फ्रूट कलर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है, आप पीला या ऑरेंज कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया है मैंने यहाँ पे। थोड़ी सी चाशनी को गाढ़े कर लिया है। यहाँ पर हमने कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, गाढ़ी चाशनी बनाकर तैयार किया है। और अब हमने यहाँ पर खरबूज के बीज को थोड़ा सा गर्म करके लिया है। गर्म करने से खरबूज का टेस्ट बीजों का बढ़ जाता है, और ये हल्के फूल जाते हैं, इसलिए मैंने गर्म करके डिश में डाला है। और जो ग्राइंड करके हमने पकौड़े रखे थे, अब हम इसे धीमी आंच में डाल देंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इन लड्डुओं को बनाने में, और अच्छे से हमें धीमी आंच में चलाकर मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा सूखा है, हमारा चीनी कम पड़ गया है, तो थोड़ा सा आप गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हो। पर जैसा मैंने बनाया ये देखें परफेक्ट बनके तैयार होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब धीमी आंच में बस हम इसे इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे।
और ताकि अंदर तक इसकी चाशनी अच्छी से चली जाए तो हम इसे इसी तरह से कढ़ाई में ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आप देखें कितना बढ़िया ये बनके तैयार हो गया है। तो बस हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इसमें एक चुटकी खाने वाला नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल कम, एक चुटकी से भी कम मैंने नमक ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएं या फिर ना मिलाएं। बस इसे और ठंडा करेंगे। हम इस तरह से चला दिया है तो इसी तरह से और ठंडा कर लेते हैं। और अच्छे से ठंडा हो जाए तो देखें चाशनी एकदम अंदर चली जाएगी, ये भुरभुरा सा इस तरह से दानेदार सा तैयार हो जाएगा अपने आप ही। और बस इस तरह से जब चाशनी इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी तो हम इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत ही इजीली हमारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद का ऊपर से लगा सकते हैं या फिर इसी तरह से मेरे जैसे सिंपल बना सकते हैं। और पूरी गारंटी है ये कोई भी सामान आपका बर्बाद नहीं जाएगा, स्वादिष्ट लड्डू आप घर पर बना के तैयार कर पाएंगे इस लॉकडाउन के समय। क्योंकि इस समय हम लोग बाहर का बहुत ही कम खा रहे हैं इसलिए मैंने घर पर ही लड्डू को बनाने की विधि लेके आए हैं। और सारे लड्डू हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखें कितने खूबसूरत दानेदार से हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब मेरे पास थोड़ी सी कटोरियां रखी हैं लड्डू रखने वाली, जिससे इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी अगर हम इसके ऊपर लड्डुओं को रख देते हैं। अगर आपके पास है तो रख दीजिएगा, बहुत ही सुंदर देखने में लगेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से सिंपल भी लड्डुओं को रख सकते हैं। और ये कटोरी बहुत ही बजट में मार्केट में आसानी से मिलती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और लड्डू हमारे बनके तैयार हैं। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते रहिएगा हमारे साथ और नई वीडियो में।